जनपद गाजीपुर सहित 36 जनपदों में विधान परिषद सदस्य चुनाव होना है। ऐसे में अगर हम गाजीपुर जनपद की बात करें तो गाजीपुर में भले ही विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया, लेकिन पंचायत चुनाव में भाजपा का परचम लहराया था। तब जनपद के 16 ब्लॉकों में 12 ब्लॉक पर भाजपा का कमल खिला था। जीत के बाद से ही विधान परिषद सदस्य के चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, क्योंकि 13 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख इन दिनों भाजपा प्रत्याशी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान ब्लॉक प्रमुख संघ की उपस्थिति कुछ इसी ओर इशारा कर रही थी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख संघ के संरक्षक संतोष यादव, जो सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं, उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि आप सभी लोग जानते हैं कि गाजीपुर ऋषि मनुष्यों की सरजमी रही है, क्रांति वीरों की भी सरजमी है और वीरों की धरती भी कही जाती है। किसी बाहरी व्यक्ति को कदई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सबके रोगों में एक ऐसे क्रांति वीरों का खून है। सभी लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार ऐतिहासिक बहुमत गाजीपुर में मिलेगा। एक तरफा चुनाव रहेगा और इस चुनाव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिसमें एक किसी मजबूरी और दबाव में फंसे हुए हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने जनपद को उत्कृष्ट जनपद बनाने में अपना योगदान करें। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं ये गाजीपुर ऋषि मनीषियों की सरजमी है, क्रांति वीरों की सरजमी है और ये वीरों की धरती किसी बाहरी व्यक्ति को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सबके रगों में एक ऐसे क्रांति वीरों का खून है। सब लोग मन बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार ऐतिहासिक बहुमत गाजीपुर में मिलेगा। एक तरफा चुनाव रहेगा और पूरा ब्लॉक प्रमुख संघ, सारे प्रमुख, एक दो बिचारे जो थोड़ी बहुत किसी मजबूरी में बहुत दबाव में फंसे हुए हैं, लेकिन सबकी मंशा है कि हम लोग प्रदेश सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने जनपद को सर्वोत्कृष्ट जनपद बनाने में अपना योगदान करेंगे।